हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को मैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पर मिलने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की सेल्स में आप लोग को एक से एक बेहतरीन ऑफर मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको SBI के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का। और आप लोग को ये इसमें कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लान मिलने वाला है आप लोग को, जो कि स्टार्ट होता है ओनली 1 रुपीज़ से, जिसमें आप लोग को एक्सीडेंटल डैमेज में जैसे फ़ोन हो जाता है, जैसे आप लोग का फ़ोन गिर गया और टूट गया या वाटर डैमेज हो गया, लिक्विड डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, उस केस में आपका फ़ोन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। वो भी होम डिलीवरी सर्विस है, आपके घर आके फ्लिपकार्ट सर्विस मैन आएंगे और आपका फ़ोन लेके जाएंगे और सर्विस करके आपको वापस आपके घर पे होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 1 रुपये से। और जैसे जिस रेंज का आप फ़ोन लेंगे उस रेंज के हिसाब से इसमें आपको पैसे देना होंगे। और इसी तरह और भी सेल हैं, जैसे कि नो कॉस्ट EMI भी है। नो कॉस्ट EMI जैसे कि आपको ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड और HDFC के डेबिट कार्ड से आप EMI पे फ़ोन ले सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे और 0% प्रोसेसिंग फ़ीस पे। और इसी के साथ बजाज के कार्ड से आप नो कॉस्ट EMI पे भी फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोग को हर रेंज के फ़ोन के बारे में बताऊंगा, जैसे कि जिसमें स्टार्ट होता है अंडर 7000 से रुपीज़ से ले कर अप टू 50000 रुपीज़ तक के फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा और स्पेशली मैं कुछ फ़ोन्स को एंड में ज़रूर दिखाऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल हैं हर रेंज में अलग अलग। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर 7000 की रेंज के हिसाब से फ़ोन कौन कौन आते हैं। इसमें मैंने 3 फ़ोन सेलेक्ट किए हैं। पहले नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Realme C11। ये एक बेहतरीन फ़ोन है अंडर 7000 की प्राइस रेंज में। इसमें आपको मिल जाती है 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले। आप लोग को इसमें हीलियो G35 का प्रोसेसर मिल जाता है, 5000mAh की बिग बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको 30MP का डुअल रियर कैमरा मिल जाता है और 5MP की सेल्फी मिल जाती है। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 6499 रुपीज़ में। आपको सेल के दौरान ये मिल जाएगा या डिस्काउंट और एक्स्ट्रा लगा के और ज़्यादा भी आप इसमें पैसा बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो फ़ोन आया है उसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है बजट फ़ोन में। इसमें जो आपको एक बिग स्क्रीन मिलती है 6.8 इंच की HD+ की IPS डिस्प्ले मिल जाती है। आपको इसमें हीलियो 825 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इसमें बिग बैटरी मिल जाती है 6000mAh की। 13MP का डुअल रियर कैमरा मिल जाता है, 8MP की सेल्फी है और इसकी भी प्राइस स्टार्ट होती है 6999 रुपीज़ से। तीसरे नंबर पर फ़ोन आया हमारे पास वो है टेक्नो स्पार्क गो 2020। इसमें आपको 6.5 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, हीलियो 820 इसमें प्रोसेसर है, 5000mAh की बैटरी है, 13MP का डुअल रियर कैमरा है और इसमें 8MP की सेल्फी है। इसकी भी प्राइस 6499 से स्टार्ट होती है। अब बात कर लेते हैं 7000 रुपीज़ से लेके 10000 रुपीज़ की रेंज के अंदर फ़ोन जो आते हैं उसमें। इसमें भी मैंने 3 फ़ोन सेलेक्ट किए हैं। इसमें सबसे पहला फ़ोन है Realme का C12। इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ की IPS डिस्प्ले मिल जाती है। MediaTek का इसमें G35 वाला प्रोसेसर है, एक गेमिंग प्रोसेसर है। 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाती है, 13MP का ट्रिपल क्लियर कैमरा दिया हुआ है, प्लस आपको इसमें एक अच्छे क्वालिटी का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7999 से। दूसरे नंबर पर फ़ोन आया है वो है मोटो E7 प्लस। इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ की IPS डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन का 460 एक डिसेंट प्रोसेसर दिया हुआ है, 5000mAh की बैटरी है, 48MP का डुअल रियर कैमरा है और 8MP की सेल्फी है। इसकी प्राइस है स्टार्ट 8999 रुपीज़ से। थर्ड नंबर पर आया है हमारे पास पोको M2, एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। इसमें आपको 6GB तक की रैम है और 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले है, MediaTek का G80 वाला प्रोसेसर है, एक गेमिंग प्रोसेसर हाई एंड प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें और 5000mAh की इसमें बैटरी दी है, 13MP का क्वाड कैमरा है और 8MP की सेल्फी दी हुई है। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 10499, लेकिन आपको डिस्काउंट में ही अंडर 10000 में मिल जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अंडर अप टू 10000 से लेके 15000 तक की रेंज के फ़ोन में। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50s के बारे में, जिसमें सबसे नंबर 1 पे मैंने इसको रखा है क्योंकि इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD+ की डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, एक्जिनॉस का 9611 प्रोसेसर मिल जाता है और इसमें आपको 4000mAh की बैटरी है,
48 मेगापिक्सल का रियर क्वाड कैमरा है प्लस 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है मिड रेंज के लिए। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 13499 से। दूसरे नंबर पर मैंने जो फ़ोन रखा है उसको नाम है रियलमी 7i। इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 662 का एक बेहतरीन प्रोसेसर मिल जाता है। 5000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है जो कि इसका एक सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल का इस प्राइस रेंज में और कोई फ़ोन नहीं मिलता है आपको। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी है और इसकी प्राइस है सिर्फ 11999 और ये डिस्काउंट के बाद और ज़्यादा अच्छी रेंज में आपको मिल सकता है। दूसरे नंबर पे है ओप्पो का एफ सीरीज़ का F15 फ़ोन जो कि एक बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। इसकी बहुत अच्छी इसकी रेटिंग भी है। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है। सुपर एमोलेड की डिस्प्ले है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है। मीडियाटेक का थोड़ा सा ओल्ड है प्रोसेसर, P70 प्रोसेसर दिया हुआ है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है प्लस 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी हुई है। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 14999 से। अब बात कर लेते हैं 15000 से लेकर 20000 की रेंज तक के फ़ोन। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो फ़ोन है वो है सैमसंग का F41 जो कि एक लेटेस्ट फ़ोन है, एकदम न्यूली लॉन्च फ़ोन है। इसमें जो आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। एक्जिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर दिया हुआ है। 6000 मिली एम्पियर की एक बिग बैटरी है और 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसकी प्राइस स्टार्ट है 15499 से। दूसरे नंबर पे मेरे पास जो फ़ोन है वो है Realme 7 Pro, एक बेहतरीन फ़ोन है जो भी पिछले ही महीने लॉन्च हुआ था। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 720G डिसेंट वाला प्रोसेसर है। इसमें नेविक सपोर्ट भी है इंडिया का। आपको इसमें 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है और सबसे इसकी हाईलाइटिंग फीचर है 65 वाट का सुपर फास्ट चार्जर जो कि आपके फ़ोन को विद इन 30 मिनट फुल चार्ज कर देगा। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा भी मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और उसकी प्राइस है 19999। डिस्काउंट के बाद और उसमें भी आपको प्राइस लेस हो जाएगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर में मैंने एक फ़ोन रखा है LG का G8X जो कि एक बहुत ही हाई रेंज का फ़ोन है जो डिस्काउंट में आपको इसमें मिल रहा है सेल में। इसमें डुअल स्क्रीन वाला फ़ोन है ये। इसमें आपको 6.4 इंच की OLED डिस्प्ले दी हुई है, फुल HD डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 855 है। आपको 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। 12 प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है प्लस 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसकी प्राइस है 1990 रुपीज़। डिस्काउंट के बाद और भी अच्छा प्राइस पे आपको ये मिल सकता है। प्लीज़ इस फ़ोन को आप ज़रूर चेक करिएगा। अब बात कर लेते हैं अबाउट 20,000 रुपीज़ के फ़ोन, जिसमें आप सबसे पहले मैंने एक फ़ोन रखा है iPhone SE जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डिसेंट फ़ोन आया है। इसमें 4.7 इंच की HD प्लस रेटिना डिस्प्ले है। iPhone की तो क्या बात करें आप, इसमें आपको 813 इंच की सबसे हाई एंड प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि अभी तक किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन की टक्कर का नहीं है ये प्रोसेसर। इसमें आपको 1821 मिली एम्पेयर की बैटरी हुई मिली है। 12 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा है प्लस 7 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसका प्राइस अभी तक फ्लिपकार्ट पे शो नहीं हुआ है, ये सरप्राइज़ है, सेल के दिन पता चलेगा आपको। तो प्लीज़ आप इस उनका प्राइस ज़रूर चेक करिएगा सेल के दौरान। दूसरे नंबर पर मैंने जो फ़ोन रखा है वो गूगल पिक्सल 4a जो कि अभी न्यूली लॉन्च होने वाला है, सेल पे ही लॉन्च हो गई है। 5.8 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी आपको। स्नैपड्रैगन 730G वाला गेमिंग प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें। 3140 मिली एम्पेयर की बैटरी है। 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और गूगल के कैमरे की तो कोई इसमें आप डाउट ही नहीं होता है, सबसे बेस्ट होता है गूगल का कैमरा। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है और उसकी प्राइस है 29999 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और सेल के दौरान ये कुछ और डिस्काउंट स्पेशली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सम स्पेशल फ़ोन्स जो मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ, सिलेक्ट किया हूँ। अंडर 10,000 में मेरे पास एक स्पेशल फ़ोन है, वो है नार्जो 20A का जो कि एक बेहतरीन डिसेंट फ़ोन है अंडर 10,000। इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 665 वाला एक बेहतरीन प्रोसेसर है, मिड रेंज प्रोसेसर है। 5000 मिली एम्पियर की बिग बैटरी है। 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 9999 से। अब बात कर लेते हैं अंडर 15,000 की रेंज में, तो उसमें मैंने दो फ़ोन से स्पेशल फ़ोन सेलेक्ट किए हैं। जिस सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं पोको M2 Pro की, एक बेहतरीन फ़ोन है ये। इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 720G वाला गेमिंग प्रोसेसर दिया हुआ है जिसमें नेविक सपोर्ट भी है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी है प्लस 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया हुआ है।
48 मेगापिक्सल का रियर क्वाड कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसकी प्राइस है 12,999। अब बात कर लेते हैं सेकंड फ़ोन की, तो वो है Realme 7, जिसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है। 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। आपको इसमें 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। इसकी प्राइस है 14,999। और इसमें आप लोग को बेहतरीन डिसेंट प्रोसेसर मिल जाता है G95, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा इसमें गेमिंग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 15,000 to 20,000 की रेंज में स्पेशल फ़ोन, तो उसमें आपको मैंने सेलेक्ट किया है पोको X3, जो कि एक बेहतरीन फ़ोन है। इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का। स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर है, 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी हुई है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है और 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इसकी प्राइस है 16,999। अब बात कर लेते हैं लास्ट फ़ोन की, जो कि है बेहतरीन फ़ोन iQOO 3। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। इसमें बेहतरीन 865 5G वाला प्रोसेसर दिया हुआ है और आपको इसमें 4440 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। फास्ट चार्जर 55 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और सिर्फ इसकी प्राइस आपको सेल में मिलेगा ये 29,999 रुपीज़ का। मैं आपको एक बेहतरीन लेटेस्ट प्रोसेसर 865 मिल जाएगा, आपको इसमें 5G मिल जाएगा, वो भी अंडर 30,000 में, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन डील रहेगी इस फ़ोन की। तो ये रही कुछ फ़ोन्स की डिटेल्स। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक इट। और प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। गुड बाय।